subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आपका एग्रोनॉमी का जो चैप्टर है, ये भी एग्रोनॉमी में ही आता है। कभी कभी कैस्टर से भी क्वेश्चंस उठा लेते हैं, तो वो है आपका कैस्टर। कैस्टर का हिंदी होता है अरंड, ठीक, या रेड। इसका वानस्पतिक नाम जो है वो है रिसिनस कम्युनिस। इसका वानस्पतिक नाम है। इसकी जो फैमिली है वो है यू फोर बी एस सी। ये रबर की भी फैमिली है, रबर की। फिर आपका होता है गुणसूत्र संख्या 2n=20। ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान, जैसा कि सभी चैप्टर्स में लिखाया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे अपना जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आप देख लीजिएगा। फिर आपका आता है आयल कंटेंट, इसमें कितना होता है, तो 85% आयल कंटेंट होता है। फिर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डेप्थ ऑफ सोइंग, इसको कितनी गहराई पर बोना चाहिए। फिर आपका आता है नेक्स्ट स्पेसिंग, 60x45 इसका सेंटीमीटर, इसकी यूनिट सेंटीमीटर है। 60x45 सेंटीमीटर में हम आपको इसको स्पेसिंग करते हैं या अंतरण देते हैं। फिर आपका एक आता है, इसमें कैस्टर में एक विषैला पदार्थ, उसका नाम है रेशेन। रेशेन नामक विषैला पदार्थ किस में पाया जाता है, तो कैस्टर में पाया जाता है, ठीक। उपयुक्त मृदा, कैस्टर को उत्पादन के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, वो है आपकी सैंडी लोम सॉयल। टेम्परेचर, इसका जो एवरेज टेम्परेचर है या ससेप्टेबल टेम्परेचर है, या वी कैन से दैट ग्रोइंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेम्परेचर फॉर कैस्टर 25-27°C, ठीक। फिर इसका आता है टाइम ऑफ सोइंग टाइम 20 जून से 5 जुलाई। इसकी सर्वाधिक खेती कहां पर होती है, तो वहां पे आंध्र प्रदेश। इसका जो नेचर होता है वो होता है मोनोसियस। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक इसकी खेती होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेराइटीज। तो इसकी पहली जो वेराइटी है वो है GNC2 और GNC4। लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी और कावेरी। कैस्टर में 3-5 लोक्यूली पाया जाता है। बस कैस्टर से इतने ही क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये भी चैप्टर आपका फिनिश। थैंक यू क्लास।